जी बिल्कुल। और यहाँ बिल्कुल पर एक काम करते हैं, हम प्राची सिंह को सुन लेते हैं एक बार। प्राची सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। कुल मिला के जो क्या टोटल कितने लोग फ्रॉडस्टर्स इसमें आइडेंटिफाई हुए, लखनऊ से कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्रवाई? ये 12 नवंबर 2021 से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती की परीक्षा हुई थी अलग अलग सेंटर्स में। उसके बाद इसमें कुल मिला के 36,170 लोग सेलेक्ट हुए थे जिनका DVPST होना था। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में DVPST हुआ है। हमारे यहाँ लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में DVPST स्टार्ट हुआ था। अभी तक जो सारे फिगर्स हैं उसमें टोटल लखनऊ से 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 44 लोगों की। और अभी मेरे पास जो टोटल फिगर रखा है वो यूपी का, वो 57 लोगों का है। हमारे लखनऊ से अकेले 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जिसमें 6 FIR दर्ज हुई है। ये लोग किस तरीके से पकड़ में आए, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से भर्ती बोर्ड और आप लोगों के इस पे शक गई? इसमें जो भर्ती बोर्ड बैठा हुआ था DVPST में, उन लोग ने ये देखा कि टोटल 160 क्वेश्चंस थे। उन 160 क्वेश्चंस में ज़्यादातर नज़र उन लोग के ऊपर पड़ी जिनके 150 के ऊपर के क्वेश्चन सही थे। उन लोगों को जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो उनका एक कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है, हर एग्जाम में वो रिकॉर्ड होता है कि किस कितने मिनट में कितने सेकंड में उस अभ्यर्थी ने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब उस कैंडिडेट रिस्पांस लॉग को चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उन्होंने उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञा तक नहीं भी बता पाए, और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। तो इस आधार पे उनको जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। क्या ये बैठा करके ये किया गया, और ये क्या जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज थे, और आगे क्या था? जिन इंस्टीट्यूट्स में ये परीक्षा हुई है वहाँ वहाँ कोई सॉल्वर नहीं बैठा था, जहाँ पे क्यों जैसे कैंडिडेट के साथ कोई सॉल्वर नहीं था, लेकिन जब तक उस इंस्टीट्यूट का व्यवस्थापक प्रबंधक या वहाँ का जो भी मैनेजमेंट हो उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये होना नामुमकिन है। अभी तक जहाँ तक हम लोग को पता लगा है, बाकी तो विवेचना का विषय है। तो वहाँ का जो प्रबंधक है व्यवस्थापक है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने कंप्यूटर को हैक करवाया या जो भी चीज़ें की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये कैसे हुआ कि मतलब जिस आदमी को एक बेसिक नॉलेज नहीं है इतनी जल्दी, कैसे, कौन उसको ट्वीट कर रहा था, कौन कैसे क्या हुआ? नहीं, उसको कोई ट्वीट नहीं कर रहा था। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है इसमें होता यह है कि आपका जो स्क्रीन होता है वो शेयर्ड होता है। आपकी स्क्रीन शेयर्ड होगी, उसमें 2-3 सॉल्वर बैठे होंगे जो अलग अलग एक्सपर्ट होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो वहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो आपके आपकी खुद की स्क्रीन में वो सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो ये तभी हो सकता है जब वहाँ का इंस्टीट्यूट मिला जुला हो, बिना उनके सांठ गांठ के ये नहीं पॉसिबल है। क्या अभी एग्जामिनेशन सेंटर्स के लोग गिरफ्तार हुए हैं और होंगे अभी? अभी कुछ के नाम इसमें खुले हैं कई FIRs में, कुछ के अभी बाइस्तवा में है। तो यहाँ आपने सुना कि किस तरह से प्राची सिंह जो है पूरा एक्सप्लेन कर रही है मामले को, और वाकई विवेक जी बहुत हैरानी की बात है। मतलब मैं तो बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और पता चलता है